हे ऑलराइट गाइस, सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप इस तरह का सीवी एडिटिंग कैसे कर सकते हो अपने मोबाइल फोन से। गाइस, ऐसी एडिटिंग आप अक्सर देखते होंगे कि ऐसी फोटो एडिट की जाती है फोटोशॉप के अंदर, मतलब कि जितने भी ये सब कलर ग्रेडिंग से लेकर जितने भी फेस वाइट हेयर एडिटिंग ये सारे आपको देखने को मिलते होंगे कि ये सब फोटोशॉप के अंदर किया जाता है, लेकिन आप पिक्सार्ट के अंदर बहुत ही कम देखते होंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में आपका भाई आपको सिखाएगा कि आप इस तरह की एडिटिंग कैसे कर सकते हो पिक्सार्ट टाइप का यूज करके अपने मोबाइल फोन में। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पे आपको इस तरह के वीडियोस रेगुलर 8 बजे सुबह में मिलती रहती है। तो चलिए इस कमाल के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो हमें इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लीजिए। हमारे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए इस कमाल की वीडियो करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है आर्या, आप देख रहे हो आर्या आईडी। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी फोटो को पिक्सार्ट टाइप के अंदर ओपन कर लेना है। यहाँ पे हमने अपने फोटो को पिक्सार्ट टाइप के अंदर ओपन कर लिया है। जो स्टेप हम आपको बता रहे हैं आप ध्यान से फॉलो कीजिए, ठीक है? तो आप अपने फोटो को सीवी एडिट कर पाएंगे। सबसे पहले आपको टूल्स पे क्लिक करना है, ठीक है? टूल्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एडजस्ट के अंदर आ जाना है, ठीक है? एडजस्ट के अंदर आने के बाद आपको यहाँ से आपको क्लियरिटी और यहाँ पे सैचुरेशन को बढ़ाना है, ठीक है? तो यहाँ से क्लैरिटी को हम लगभग 30 के अराउंड रखते हैं और सैचुरेशन को फुल कर देते हैं, ठीक है? यानी कि 100। उसके बाद यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ा लेंगे 20 के अराउंड और हाईलाइट्स को कम कर लेंगे -20 के अराउंड, ठीक है? अब आपको यहाँ से इरेजर पे क्लिक करना है और यहाँ से इरेज जो लिखा हुआ है इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अपनी फोटो को आपको जूम करना है और अपनी फेस हैंड और लेग से आपको इरेज कर देना है, ठीक है? तो यहाँ से हम अपनी फेस से इरेज कर रहे हैं गाइस, आपको कुछ इस तरीके से, मतलब कि आराम से, आपको ज़्यादा जल्दी से नहीं करना है, नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा, बैकग्राउंड से भी इरेज हो जाएगा जिसके कारण आपकी फ़ोटो बेकार लगेगी। तो यहाँ से मैं जल्दी जल्दी से इरेज कर लेता हूँ पूरे हैंड से, फेस से, लेग से, ठीक है गाइस? तो यहाँ पे हमने कम्प्लीटली इरेज कर लिया है। इरेज कर देने के बाद आपको सिंपली डन कर लेना है, ठीक है? तो गाइस, जब मैनुअल कर्ज करना चाहो तो भी कर सकते हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बैकग्राउंड में काफ़ी अच्छी एडजस्टमेंट यहाँ पे हो चुकी है। अब आपको इफेक्ट्स पे क्लिक करना है, यानी कि इफेक्ट्स पे, ठीक है? इस पे क्लिक करने के बाद आप इफेक्ट्स वाले टूल के अंदर रहेंगे तो आपसे सबसे लास्ट में आपको जाना है। यहाँ पे आपको एक कलर्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको कलर्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ से एक फिल्टर को अप्लाई करेंगे, ये होगा कलर रिप्लेस का फिल्टर, ठीक है? कलर रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको ये प्लस का आइकॉन, ये ब्लैक कलर का आपको नजर आ रहा होगा, इससे आपको अपनी बैकग्राउंड पे इस तरीके से ला के रख देना है, ठीक है? याद रहेगा बैकग्राउंड पे रखना है, ना कि आपको अपनी फेस पे। उसके बाद ये रिप्लेस ही वो आपको पूरा आगे की ओर बढ़ा देना है, यानी कि पूरा राइट साइड की ओर 360 आपको कर देना है उसे, इसकी अमाउंट को, ठीक है? अगर आप उसे बढ़ा लेंगे, अगर आपके फेस पे कोई इफेक्ट आता है तो आप इरेजर की मदद से अपनी फेस से इरेज कर सकते हैं। हालांकि हमारे फेस पे अभी कोई भी इफेक्ट नहीं आया तो हम यहाँ से डन करते हैं, ठीक है? तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि हमारी बैकग्राउंड में इतना एडजस्टमेंट हो गई है। अब टूल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जाएंगे एडजस्ट के अंदर अगेन, ठीक है? और इस बार हम अपनी फेस को वाइट करेंगे, यानी गोरा करेंगे। तो इसके लिए ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे और सैचुरेशन को कम कर देंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ से इरेजर पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से इन्वर्ट कर देना है। इन्वर्ट कर देने के बाद अपनी फोटो को जूम कीजिए और इसे आपको इस तरीके से चला देना है, यानी कि इसे आपको सिर्फ अपनी फेस पे, हैंड पे, लेग पे ही चलाना है। पिछला जो भी हम लोगों ने एडजस्टमेंट करा वो सिर्फ हमारे बैकग्राउंड के लिए था और हमारे क्लोथ्स के लिए था, तो ये जो भी एडजस्टमेंट हो रही है ये हमारी सिर्फ फेस, हैंड और लेग के लिए हो रही है, यानी कि हमें अपने फेस को वाइट करना है। तो इसे हम अपने पूरे फेस पे चला देंगे, ठीक है? तो यहाँ से गाइस मैं जल्दी जल्दी से चला लेता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे आपको सन ग्लासेस से आप इरेज भी कर सकते हो अगर आपको वहाँ से नहीं करना है तो, ठीक है? तो इतना हो जाने के बाद आपको हाईलाइट्स को थोड़ा सा इंक्रीज करना है ताकि आपके फेस पे एक अच्छी सी चमक आ जाए, यानी कि लाइट आ जाए। और उसके बाद आप चाहो तो कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ाकर देख सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप नहीं भी बढ़ाओगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आपको सिंपली डन कर लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे इतना काम हमारा पिक्सार्ट टाइप के अंदर फिनिश हो जाता है। अब आपको यहाँ से गाइस ड्रॉ टूल के अंदर चलना है, ठीक है? ड्रॉ टूल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे ऊपर ड्रॉ पे आपको क्लिक कर देना है, कलर पे क्लिक नहीं करना है, ठीक है? और ड्रॉ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से 3 डॉट की आइकॉन मिलेगी, इस पर क्लिक करके अपनी फोटो को यहाँ से सेव कर लीजिए, ठीक है? आपकी फोटो यहाँ पे गाइस सेव हो जाएगी। अब आपको इसी फोटो को ओपन करना होगा आफ्टर फोकस ऐप के अंदर। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस, आफ्टर फोकस ऐप ये रहा मेरे पास, मेरे फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ से एल्बम पे क्लिक करना है, ठीक है? एल्बम पे क्लिक करने के बाद आपको उसी फोटो को ऐड करना है जो कि आपने अभी पिक्सार्ट ऐप के अंदर एडिट किया, ठीक है? जैसा कि हमने इस फोटो को अभी पिक्सार्ट ऐप के अंदर एडिट किया था, हमने इसे ऐड कर लिया। ऐड कर लेने के बाद ये आपको जो फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन मिलती है, इसकी मदद से आपको इस पार्ट को सिलेक्ट करना है जिसे आपको बैकग्राउंड में ब्लर नहीं करना है। तो अपनी फेस को हमें ब्लर नहीं करना है और साथ ही फोरग्राउंड में कुछ यहाँ पे आपको दिख रहे ग्रास व्रास, तो इसे हमको ब्लर नहीं करना है।
तो इस तरीके से हम अपने पूरे फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं गाइस, पूरे आपको बॉडी पार्ट को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन से आपको अपनी बॉडी पार्ट को सिलेक्ट करना है। याद रहे गाइस कि आपको जो पार्ट को ब्लर नहीं करना है वो आप फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया गाइस, ठीक है। अब आपको जो थर्ड नंबर पे आपको ऑप्शन मिलती है ये होता है बैकग्राउंड का, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है और इसे आपको अपनी बैकग्राउंड पे इस तरीके से एक लाइन क्रिएट करना है, ठीक है। इससे आपकी बैकग्राउंड में जो भी रेड कलर बनी होगी ना वो हट जाएगी। इसका मतलब कि जहाँ जहाँ से रेड कलर हट रहा है वो पार्ट जो है ब्लर हो जाएगा, तो ब्लर हो जाएगा मतलब। तो यहाँ से मैं गाइस जल्दी जल्दी से यहाँ से इरेज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ओवरऑल हमने बैकग्राउंड से जो है यहाँ से इरेज कर दिया है। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ब्लर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद इसकी अमाउंट को बढ़ाना है। तो यहाँ से हम ब्लर पे करते हैं क्लिक और यहाँ से आपको अमाउंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से ब्लर का अमाउंट आपको पूरा आगे की ओर पूरा बढ़ा देना है, ठीक है। तो इसे मैं पूरा बढ़ा देता हूँ। पूरा बढ़ा देने के बाद आपको यहाँ से अपर्चर को भी थोड़ा सा इंक्रीज करना है, ठीक है। तो यहाँ से अपर्चर पर जाते हैं और यहाँ से आपकी बैकग्राउंड में बूके का इफेक्ट देना है। तो उसके लिए आपको यहाँ से बूके का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से बूके पे आपको बढ़ा देना है। देखिए आप जितना बढ़ाएंगे आपकी बैकग्राउंड में उतना ज़्यादा बूके का इफेक्ट आता जाएगा। तो आपको अपने हिसाब से सेट कर लेना, आपको अपनी बैकग्राउंड में कितना ज़्यादा रखना है, ठीक है। फिलहाल मुझे इतना सही लग रहा है तो मैं यहाँ से इतना ही करके डन करता हूँ, ठीक है। अब आपको यहाँ से फिल्टर पर क्लिक करना है। फिल्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, फोरग्राउंड, और यहाँ से बैकग्राउंड होल का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन मिलेगा। कॉन्ट्रास्ट को आपको पूरा आगे की ओर बढ़ा देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रास्ट को पूरा आगे की ओर बढ़ा दिया। अब आप लोग देख पा रहे हो कि हमारा बैकग्राउंड कितना मस्त हो गया है। अब आपको यहाँ इफेक्ट पर क्लिक करना है और शार्पन को भी बढ़ा लेना है, ठीक है। तो यहाँ से शार्पन पर हम करते हैं क्लिक और इसकी अमाउंट को लगभग इतना हम बढ़ा लेंगे। शार्पन को ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना है, नहीं तो आपकी फ़ोटो ज़्यादा शार्प लगेगी तो बेकार से लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज हमारी फ़ोटो कम्प्लीटली एडिट हो गई है। यहाँ से सेव पे क्लिक करके हम अपनी फ़ोटो को सेव कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने ये नोटिस नहीं किया कि हमने इस फोटो में हेयर एडिट नहीं किया, तो हेयर एडिटिंग का ट्यूटोरियल आपको एक दिन बाद मिल जाएगा, क्योंकि ये वीडियो ऐसे ही लंबा हो गया था। ज़्यादा लंबा करते तो आप लोगों को बोरिंग लगती। तो हेयर का एक प्रॉपर वीडियो आपको कल मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।